कल चुनाव समिति में मंथन के बाद आज बीजेपी कर सकती है कौन सा बड़ा ऐलान। बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों के साथ किया शक्ति प्रदर्शन। यूपी को लेकर जेपी नड्डा का बड़ा दावा। सीएम योगी आदित्यनाथ को किसने बताया अपर्णा यादव का चचेरा भाई। और रिश्तेदारों पर रेड के बाद पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का पलटवार। चुनावी मैदान से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 चुनावी संग्राम। दिल्ली में बुलाई गई बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में यूपी, पंजाब, गोवा और उत्तराखंड के उम्मीदवारों को लेकर चर्चा की गई। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में यूपी विधानसभा चुनाव के करीब 160 उम्मीदवारों को लेकर मंथन पूरा हो चुका है। आज तीसरे, चौथे और पांचवें चरण के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की जा सकती है। इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। यूपी चुनाव को लेकर कल बीजेपी ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए अपने सहयोगी दलों के साथ एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, अपना दल की प्रमुख अनुप्रिया पटेल, निषाद पार्टी के संजय निषाद समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने एक मंच से एकजुटता का संदेश दिया। यूपी के लिए बीजेपी ने सहयोगियों के साथ सीट शेयरिंग का फार्मूला तय कर लिया है। जल्द ही सीटों का भी ऐलान कर सकती है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास की सोच लेकर एनडीए यूपी की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यूपी में डबल इंजन की सरकार ने विकास की नई छलांग लगाई है। नड्डा ने सहयोगी दलों के साथ बैठक की एक तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश में फिर एक बार एनडीए 300 पार। यूपी में बीजेपी के साथ सीटों को लेकर सार्थक चर्चा के बाद अपना दल प्रमुख अनुप्रिया पटेल ने कहा कि 10 मार्च को यूपी में एक बार फिर एनडीए की मजबूत सरकार बनेगी। अनुप्रिया के मुताबिक ये गठबंधन विकास और सामाजिक न्याय का बेहतरीन कॉकटेल है। वहीं निषाद पार्टी के संजय निषाद ने कहा कि यूपी में निषाद राज और राम मिलकर राम राज्य जैसी व्यवस्था चला रहे हैं। हाल ही में बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य की सांसद बेटी संगमित्रा मौर्य ने सीएम योगी आदित्यनाथ को अपर्णा यादव का चचेरा भाई बता दिया है। संगमित्रा ने एक पोस्ट में लिखा कि हफ्ते भर पहले एक बेटी का पिता पार्टी बदलता है तो पुत्री परिवार हो रहा था, वहीं आज एक बहू एक पार्टी छोड़कर अपने चचेरे भाई के साथ दूसरी पार्टी में आती है तो स्वागत हो रहा है। क्या इसको भी खास वर्ग से जोड़ा जाना चाहिए? अपनी विधानसभा सीट को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव अभी भी पशुपेश में हैं। उन्होंने कहा, आजमगढ़ की जनता से पूछने के बाद चुनाव लड़ूंगा। वहीं एसपी के उम्मीदवारों की घोषणा में देरी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी बैकफुट पर आ गई है, इन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि किसे टिकट दें किसे नहीं। यूपी के रामपुर में एक वर्चुअल संबोधन के दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम भावुक होकर रोने लगे। अब्दुल्ला जेल में बंद अपने पिता के कोरोना संक्रमण के दौरान उनका हाल बता रहे थे। बेटे, अगर मुझे कुछ ऐसा हो गया है कि मैं ठीक नहीं हो सकता, पंजाब में ईडी की जारी छापेमारी से नाराज सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने बीजेपी की तुलना मुगलों से की है। चन्नी ने ईडी के अफसरों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि रेड के बाद अफसरों ने पीएम का दौरा याद रखने को कहा। ईडी ने अब तक की छापेमारी में करीब 10 करोड़ की नकदी और कई अहम दस्तावेज बरामद किए हैं। वहीं पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी ने सीएम चन्नी पर तंज कसते हुए एक फोटो शेयर किया है, जिस पर लिखा है कि घर घर चली बात, चन्नी रखता पैसे भतीजे के पास। हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के छोटे भाई विजय रावत बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विजय रावत को बीजेपी की सदस्यता दिलाई और पार्टी में स्वागत किया। सेना से रिटायर्ड विजय रावत ने कहा कि मेरे पिता भी रिटायरमेंट के बाद बीजेपी के साथ जुड़े थे, अब मुझे भी ये मौका मिला है तो उत्तराखंड की जनता की सेवा करूंगा। विजय रावत ने पीएम की तारीफ करते हुए कहा कि मोदी जी की सोच आउट ऑफ द बॉक्स है। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।